पब्लिक टीवी आपकी आवाज। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और देश में नहीं पूरे विश्व के अंदर आज जो है योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेरी तरफ से तमाम सभी देशियों को पूरे विश्व के अंदर शुभकामनाएं हैं। और आज जिस प्रकार योग के प्रति जो रुचि बढ़ रही है ये जो है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि योग जो है ना शरीर को और मन को मिलाता है, प्रकृति को और मानव का मिलन करता है, एक जो है संयोजक के रूप में काम करता है। आज यहाँ मुरादाबाद में एक प्रभारी के रूप में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर। अच्छा लगा यहाँ तमाम सभी साथियों ने, अधिकारियों ने, बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने और तमाम सभी नागरिकों ने आज यहाँ योग किया है। अच्छा, मैं तो ये कहूँगा कि मतलब शरीर को निरोग रखने के लिए योग करना बहुत आवश्यक है, योग करना चाहिए। और इसके प्रति अपने जो लोग यहाँ नहीं पहुँच पाए सबको जागरूक करने की आवश्यकता है। जागरूक एक अभियान हमें व्यक्तिगत रूप से चलाना चाहिए। नहीं, उस विभागीय नहीं है, आज कोई विभागीय विषय आज नहीं है, आज सिर्फ योग का विषय है। योग के विषय में प्रभारी के रूप में हमने जो है जो हमारा विभाग है उसमें नक्षत्र शालाओं और साइंस पार्क का निर्माण किया जाता है। और एक मंडल स्तर पर हम लोग जो हैं जिलाधिकारी को नोटिस दे रहे हैं कि वो अपने यहाँ ज़मीन उपलब्ध कराने का काम करें, ताकि जो है हम मंडल स्तर पर एक साइंस पार्क का और नक्षत्र शाला का निर्माण कर सकें। बाहर आने वाले हैं क्या कहेंगे? देखो वो अदालती प्रक्रिया है, वो निर्णय अदालतों करना है कि उनको बाहर रखना है या इधर को, उसमें हमें टिकट अपनी करने को ही। सर नक्षत्र शाला जल्द मिलेगी मुराद मंडल को? निश्चित रूप से जमीन उपलब्ध होगी तो उसका जो है उसकी स्वीकृति करा के सरकार से, तो हम मेरा पूरा मकसद है कि हर मंडल स्तर पर एक नक्षत्र शाला और एक साइंस पार्क बने। विज्ञान प्रौद्योगिकी छात्र को छात्रों के लिए कितना कल्याण जो छात्र होते हैं इसमें कुछ छात्रों को सिलेक्ट किया जाता है, उनको फेलोशिप दी जाती है और भी इसमें कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे हम लोग। सीटें गायब हो गई हमारी। देखो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, चुनाव होता है, चार आदमी चुनाव लड़ते हैं, एक जीतता है, ये कोई इतना बड़ा विषय नहीं है, हर चीज चलती रहती है। देखो कोई भी पार्टी, कोई भी दल हो, कोई भी गठबंधन हो, वो सरकार बनाने के लिए काम करता है। सरकार एनडीए की बनी है, ये बड़ी बात है, और पूर्ण बहुमत के साथ में बनी है। नंबरिंग ऊपर नीचे हो सकते हैं, कोई आर्थिक विषय नहीं। संजीव बालियान आते हैं संगीत सोम के साथ, वाह क्यों चल रहा सीधा सीधा हो जाएगा। देखो ऐसा है, वो जो बातें कुछ आई हैं डॉक्टर संजीव बालियान की तरफ से, संगीत सोम जी की तरफ से, मेरा उसमें यही कहना है दोनों जिम्मेदार लोग हैं। एक संगीत सोम जी दो बार एमएलए रह चुके हैं, दो बार सांसद। सही बात ये होती है कि उनको पार्टी फोरम पर या पार्टी प्लेटफॉर्म पे उन विषयों को उठाना चाहिए था। भाजपा का नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं नहीं, नुकसान कोई मतलब ही नहीं है। अब 27 का चुनाव है, 27 का चुनाव होगा और निश्चित रूप से जो है एनडी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। अकबर नगर को लेकर के विपक्ष ने हमलावर है कि अल्पसंख्यकों को हमला किया जा रहा है। किसमें तोड़े जा रहे हैं अल्पसंख्यकों को? अकबर नगर की बात कर रहा हूं मैं, लखनऊ के जो मकान तोड़े गए हैं अवैध निर्माण जो पड़ा जा रहा है। नहीं वो देखो उसका परीक्षण हुआ होगा, निश्चित रूप से कोई परीक्षण होगा, ऐसे कहीं कोई जानिश्ता कहीं कोई तोड़फोड़ नहीं हो रही, कोई ना कोई उसके पीछे कोई परीक्षण किया हुआ, कोई इस तरह का प्रकरण जरूर रहा होगा जो ऐसी कार्रवाई करनी पड़ी। बारिश के वजह बड़ा देर से प्रारंभ हुआ लेकिन बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित हुआ है और सभी ने अभी बड़ी योगाभ्यास क्या संदेश देना चाहते हैं सर आपके दिन के साथ? ये योग का के पीछे विषय ये कि आदमी ठीक रहे, अपने को अनुशासित रख सके, सुबह सुबह जल्दी उठना सीखे, ये सब जो चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।